यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर काफी सारे कमेंट्स हमारे वीडियोस पर हैं दोस्तों। मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराया जाए। दोस्तों आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम कब से हैं, अगर चल रहे हैं तो कब तक चलेंगे, और जिन जिन लोगों के अभी प्रैक्टिकल एग्जाम रह गए हैं उनके कब होने वाले हैं और कैसे होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट hinditechnics.com पर जाकर ले सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है, मोबाइल में चाहे तो मोबाइल में यूज कर लीजिए और अगर लैपटॉप पर चाहे तो लैपटॉप पर। यहां पर टाइप करना है hinditechnics.com, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारी वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं hinditechnics.com। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे दोस्तों यहां पर एक सर्च का बटन आपको दिखाई देगा, देखिए राइट हैंड साइड पे मोबाइल में भी आपको नजर आएगा और लैपटॉप में भी। इस पर आपने क्लिक करना है और यहां पर टाइप करना है आपको यूपी बोर्ड और एंटर कर देना है। जैसे ही आप यूपी बोर्ड टाइप करके एंटर करेंगे तो यहां पर देखिए आपको एक पोस्ट दिखाई देगा, यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th प्रैक्टिकल एग्जाम्स। दोस्तों यहां पर यूपी बोर्ड के और भी काफी सारे आर्टिकल हैं तो आपको सिर्फ यही खोलना है जिसमें लिखा हो प्रैक्टिकल एग्जाम कब और कैसे होंगे। इस आर्टिकल पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस आर्टिकल पर क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्रैक्टिकल और क्लास 12th के प्रैक्टिकल दोनों के संबंधित आपको सभी जानकारी यहां पर मिल जाएंगी। यहां नीचे स्क्रॉल करना है तो दोस्तों हम डेट्स की बात करते हैं तो यहां डेट्स देखिए क्या लिखी हुई है। देखिए जो यहां पर यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल हैं वो दो चरणों में होंगे दोस्तों। यहां पर देखिए कक्षा 10th और 12th के प्रैक्टिकल परीक्षाएं दो राउंड में कराने के लिए आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों हम अपने इस आर्टिकल में आपको बताएंगे परीक्षाओं को किस पैटर्न में कराया जाएगा और ये परीक्षा कैसे कैसे होंगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें पहले जो ये परीक्षाएं हैं सेल्फ सेंटर पर हुआ करती थी, जहां से आपने फॉर्म भरा है 10th का या फिर 12th का वहां पर ये परीक्षाएं होती थी। लेकिन इस बार जो रूल है बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं, जहां पर आपका सेंटर पड़ा है वहीं पर ही आपको प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी देनी होंगी। यहां प्रैक्टिकल परीक्षाएं दो पारियों में करने का फैसला लिया गया है जिसमें 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में पहली पारी होगी। तो दोस्तों आज 25 अप्रैल है तो लगभग 5 दिन हो चुके हैं प्रैक्टिकल परीक्षाएं होते होते, तो कुछ लोगों की हो भी चुकी होंगी और जिन लोगों की रह गई हैं प्रैक्टिकल परीक्षाएं वो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दूसरी जो पारी होगी वो होगी 28 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 4 मई तक चलेगी, यानी दो चरणों में होंगे, दो पारियों में होंगे, पहली 20 से 27 अप्रैल तक और दूसरी होगी 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। अब दोस्तों किन किन लोगों का दूसरी पारी में होगा और किन किन लोगों का पहली पारी में होगा ये भी कह पाना एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो दोस्तों यहां नीचे स्क्रॉल करते हैं कुछ और जानकारी हमको यहां पर मिलती है। ये देखिए पहला चरण होगा 20 अप्रैल 27 अप्रैल, और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए पहले चरण में कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं यूपी के, जो आगरा है, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती, ये जो जिले हैं इन सभी जिलों में पहले चरण में कराया जाएगा। तो ये जो चरण में बांटा गया है दो चरणों में जो होते हैं तो यूपी के कुछ जिले पहले चरण में होंगे और कुछ जिले दूसरे चरण में होंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए हम अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो सबसे ज्यादा कमेंट्स हमारे पास अलीगढ़ से थी कि उनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो कब होंगे। तो दोस्तों दूसरी पाली में अलीगढ़ जिला आता है तो इसका मतलब यह है कि 28 अप्रैल से स्टार्ट होकर 4 अप्रैल तक ये प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे। अब दोस्तों किस दिन किसका होना है, मान लो 28 में होना है आपका या 29 में होना है या फिर 2 में होना है या 3 में होना है या 4 में होना है, तो ये चीज का जो फैसला है वो सभी आपके जो कॉलेजेस हैं आपके जो स्कूल हैं वहां पर नोटिस भेजा जाएगा तो आप वहां से इसके लिए कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो किस डेट में है। हालांकि जो दूसरे चरण में एग्जाम होने वाले हैं वो कुछ सिटी हैं, यहां पर देखिए अलीगढ़ है, मेरठ है, मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर। दोस्तों ये यहां पर 5-6 जिले हैं जिनमें दूसरे चरण में होंगे, अलीगढ़ भी उसी में आता है। तो दोस्तों जिनके पहले चरण में हो चुके हैं प्रैक्टिकल वो अपने और दोस्तों को बता दें कि कैसे कैसे होते हैं, और जिन लोगों के नहीं हुए हैं वो हमारे वीडियो से देख सकता है। तो यहां पर उसका जो अगर दूसरे चरण में आता है तुम्हारा जिला तो आपकी 28 अप्रैल से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे। दोस्तों यहां पर और भी जानकारियां मिल जाती हैं, देखिए प्रैक्टिकल परीक्षा देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है,
इसके अलावा और भी काफी सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें और यहां से आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले सभी काम के जो आर्टिकल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।